हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हम वैट कर रहे थे, तो वैट जो हमने किया था वो हमने सेल्स की एंट्री कर ली थी। जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट वैट का नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, उनके बाद ही वो सेकंड पार्ट को देखेंगे तो उनको समझ आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने सेल्स की एंट्री कर दी थी जिसमें हमने टैक्स को कैलकुलेट किया था। तो एंट्री करने के बाद आपने उसको चेक करना है, जैसे मैंने आपको परचेज एंट्री को चेक करना बताया था, सेम वैसे ही हम यहाँ पे सेल्स की एंट्री को भी चेक करेंगे। डिस्प्ले पे आके यहाँ पे आपने स्टैचुरी रिपोर्ट्स पे आना है, वैट पे आना है, फॉर्म वैट R1। R1 फॉर्म जो होता है वैट का क्वार्टरली रिटर्न के लिए होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्म वैट R1 पे आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोकल सेल्स मीन्स विद इन दिस स्टेट जो है वो हमारा 5.5% है। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप ऑल्ट एफ वन कर सकते हैं। ऑल्ट एफ वन करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेल्स टैक्स टैक्सीबल जो है वो आपका पता चल गया आपको कि कितने परसेंट टैक्स जो है आपने लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैट पेबल है जो अभी हमें पे करना है वो कितने रुपीज है, वो 20.63 रुपीज है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास शो हुआ है वो हमारे पास एडजस्टमेंट होके हुआ है, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं तो वो एडजस्ट करके करते हैं। जितना हमने परचेज में पे कर दिया होता है वो हमारा माइनस हो जाता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करके जो टैक्स हमारा आता है उसको ही हम गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आप सारी एंट्री सही करते हैं तो यहाँ पर आपका ऊपर अनेक्शर रेडी मेड 2 आ रहा है। इट मीन्स कि आपका जो अनेक्शर है वो रेडी है। अगर आपने मान लीजिए कि आपने टिन नंबर जो है आपने अपने डीलर्स के, आपने अपने कस्टमर्स के, सप्लायर्स के टिन नंबर गलत लिखे होते या आपने कोई और मिस्टेक की होती एंट्री करने में तो यहाँ पर अनेक्शर एरर में आ रहा होता, लेकिन हमने जो टिन नंबर वगैरह सबको दिया है वो हमारा सारा कुछ ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो अनेक्शर रेडी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 अप्रैल to 30 June डेट इसलिए आ रही है क्योंकि R1 फॉर्म जो है वो क्वार्टरली रिटर्न के लिए हम फाइल करते हैं। तो आप देखिए अनेक्शर रेडी पे मैं एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो फर्स्ट है अनेक्शर LP7A, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो ये हमारी देखो पूरी डिटेल ओपन हो जाती है कि कौन सी डेट को हमने LP7A जो होती है वो हमारी परचेज की टैक्स की क्लास होती है, तो इसलिए जो ये हमारी एंट्री है वो LP7A में शो हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर में पार्टी का टिन नंबर, डिटेल जो टैक्स है कैलकुलेट हो गई, ये सारी डिटेल हमारे पास शो होती है। ऐसी में अगर LP9A जो होती है वो सेल टैक्स की क्लास होती है, LS9A, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम इसकी डिटेल्स आ रही हैं। तो अगर हमें इन डीलर्स की, इन जो ये कस्टमर्स हैं सप्लायर्स की डिटेल्स अगर हमें सेंड करनी होती है तो हम यहाँ के यहीं से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे LP7A को ओपन करते हैं, आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे अगर आप ऑल्ट ई करके एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने आउटपुट फाइल नेम में टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। LP7A का हमें टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ता है, तो वो डाउनलोड करके आपको यहाँ पे अपनी फाइल के नेम में लिखना है। उसके बाद वो अपने आप जो ये आपकी सारी डिटेल होंगी वो उसमें अपने आप जनरेट हो जाएगा, मतलब आपका जो टेम्पलेट है उसमें ये सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। तो जब मैं आपको ई फाइलिंग रिटर्न्स फाइल करना बताऊंगी वैट की, तब मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे आपने टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, कैसे आपने टेम्पलेट को कहाँ पर रखना है और किस कैसे ये जो सारी डिटेल्स है हमारी टेम्पलेट पर अपने आप जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। और कैसे हम उसको आगे डायरेक्टली अपलोड कर लेते हैं। तो अभी तक के लिए फिलहाल आपको इतना ही करना है, आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स रखनी है जितनी भी आप एंट्रीज करते हैं। अगर आप हरियाणा में परचेज करें तो आपकी सारी जो एंट्रीज होंगी वो इसी के अंदर आएगी, इसी टैक्स क्लास के अंदर आएगी, LP7A के अंदर। और हमें जो टेम्पलेट भी डाउनलोड करना होगा वो हमें टेम्पलेट भी LP7A ही डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो ऐसी सेल्स के लिए अगर हमें करना है तो हम सेल्स के लिए भी यही वाला ही करते हैं, ये देखिए LS9 ही करते हैं। तो इसी से हम आगे जब रिटर्न्स भरेंगे तो उसके लिए हम जो आगे प्रोसेस होगा वो मैं आपको एडवांस वीडियोस जो मैं आपके नेक्स्ट जो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी। तो अभी के लिए आपको सिंगल वैट में जो है वो आपको इतना ही करना है, इतना जो है आप करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।